हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हुए स्वागत है। तो जैसा कि आप देख ही लिए होंगे कि हम लोग आज फ्लैश कार्ड बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, मैंने A4 का साइज़ लिया है जो कि आपको आराम से किसी भी शॉप में मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप में। और A4 के साइज़ के पेपर लेने से क्या होता है कि हमें आराम होता है फ्लैश कार्ड को बनाने में। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से मोड़ा है हाफ में, ठीक है, एक पूरे पेज को हाफ में इस तरह से मोड़ दिया है। फिर इसे मैं एक और बार मोड़ूंगी। ये देखिए, इस तरह से मोड़ना है हमें। और फिर बस अब इस तरह से इसे मोड़ करके हमें क्या करना है, सीजर से काट लेना है। काट लेंगे। जब हम इसे सीजर से काट लेंगे तो ये चार टुकड़े हो जाएंगे इसके, जिससे हमारा फ्लैश कार्ड बनेगा। ये हमें कोई भी कूट जैसा मोटा सा ले लेना है। ये मैंने जो पुराने जो बुक होते हैं बच्चों के, जिसका उन्हें काम नहीं है, उसमें से मैंने ये बुक का कवर लिया है, ठीक है। ये बहुत ही आराम होता है। हालांकि तो बुक के कवर तो ना ही कोई रद्दी वाले भी नहीं लेते हैं, तो ये कवर जो है वो काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से इस कवर को फाड़ करके हम ये जो मैंने पेपर कट किया है A4 साइज़ वाला, इसे इस तरह से चिपका देंगे, ठीक है। या तो हम पहले क्या करें, पहले ही पूरे में चिपका दें A4 साइज को कवर में और फिर कट कर। लेकिन इससे क्या होता है कि सीजर से काटने में प्रॉब्लम होता है, कटर से आप काटें वो ज़्यादा सहूलियत होगा। लेकिन मैंने पहले ही पेपर कट कर लिया है, अब मैं इसे भी पेपर का नाप ले करके इसे भी कट कर लूँगी, ठीक है, और फिर मैं इसे चिपका दूँगी इसमें। ये देखिए, इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया पेपर को रख करके जो मैंने कट किया था A4 साइज से, और फिर इसे मैं कैंची से कट कर दूँगी। ये कवर पे मेरे बेटे ने ड्राइंग बना दिया है, तो इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ओके, अब मैं इस पे ग्लू लगा दूंगी। ग्लू लगा करके मैं चिपका दूंगी उस पेपर को। इस तरह आपके बुक के जो भी कवर बचे हुए हैं उससे आप इस तरह से बना सकते हैं फ्लैश कार्ड, और ये बच्चों के काम भी आएंगे सिखाने में। ओके, अब हम इस पे क्या करेंगे, कुछ डेकोरेट करेंगे जिससे बच्चों को सीखने में मज़ा आए और वो अच्छे से सीखें इसे। ये देखिए, ये मेरे पास है सेलो टेप, ठीक है, दो तरह के सेलो टेप हैं, कोई भी मैं यूज़ कर लूँगी इसमें, ठीक है, चलिए यही वाले यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, इसे इस तरह से कट करके हमने ऊपर के साइज़ में, या फिर कहीं भी आप जहाँ से आप शुरू करना चाहें, इस तरह से लगा कर फिर इसे मोड़ लेना है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर थोड़ा चौड़ा वाला लें ऐसा डेकोरेशन वाला टेप तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे दोनों तरफ चिपकाने में भी हेल्प मिलता है। पर कोई बात नहीं, अगर पतला भी रहे तो आप उससे साट भी सकते हैं, ग्लू से चिपका लीजिएगा, नहीं तो फिर पिनअप भी कर सकते हैं स्टेपलर से। तो इस तरह से हम कर देंगे। फिर ये मैंने दूसरा वाला टेप ले लिया है जो मैं नीचे की ओर इसका दोनों तरफ मैं कर दूँगी इस तरह से। ये चारों तरफ से कलरफुल टेप लग जाएगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, कुछ भी वो अच्छे से सीख सकते हैं जो भी हम उन्हें सिखाना चाहें इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से। तो ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है हाफ। अब हमें और भी कुछ करना है इसमें, जैसे अगर हमें बच्चों को काउंटिंग सिखानी है तो हम इस तरह से 1 2 3 डायरेक्ट कार्ड पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर आप को ज़्यादा ही मन करता है, देखो क्रिएटिव माइंड है आपका, तो आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। या फिर आप पुराने जो बुक हैं बच्चों के, जो पुराने क्लास के जो बुक्स हैं, उसमें से आप कट करके भी कर सकते हैं। वो कटिंग करके आप 1 2 चाहे कुछ आप इसमें चिपका सकते हैं, चाहे जो भी आपको सिखाना। अगर फ्रूट्स नेम सिखाना हो तो फ्रूट्स की फ़ोटो काट कर आप लगा सकते हैं, जो भी आपको बस अपना आइडिया अपनाना है कि हमें कैसे किस तरह से इसे करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने स्टार को मैं चिपका दूंगी इसे, क्योंकि 4 नंबर है, तो स्टार भी मैं 4 ही लूंगी और उसे ग्लू की हेल्प से मैं चिपका दूंगी, ठीक है। बच्चों को स्कूल में भी फ्लैश कार्ड बनाने को बोला जाता है कि आप इसे घर से बना करके लाओ, तो इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो आपके लिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि। और फिर घर में बच्चों को तो इस तरह से हम सिखा भी सकते हैं, बच्चे अच्छे से मज़े ले करके सीखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे कैसे हमें काउंटिंग करना है। यहाँ देखिए, मैंने is equal to का साइन भी दे दिया है और एक बॉक्स रख देंगे यहाँ पर, बॉक्स बना देंगे
ताकि बच्चा जो है वो इसमें काउंट करके इसमें भर सके। वो तो ये जान रहा है कि 4 है, 1 2 3 4 काउंट करेगा और यहाँ पर वो फील करेगा, 4 लिखेगा। तो अब अगर हमें यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, स्पेलिंग लिख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी स्पेलिंग लिख लें, जहाँ आपका मन करे, कहाँ आपको अच्छा लगेगा वहाँ आप स्पेलिंग भी लिखें, क्योंकि बच्चे अगर काउंटिंग करेंगे तो स्पेलिंग भी देखेंगे तो उन्हें जल्दी याद होगा। ये मैंने दूसरा भी एक ले लिया है, बॉल टाइप का है फोटो, तो इसे भी बच्चा काउंट करेगा और इसे भी बच्चा लिखेगा। तो कलरफुल रहता है जब फ्लैश कार्ड तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ने में, कुछ भी सीखने में, तो इसलिए मैंने ये सब आइडिया अपनाया। देखिए ये 1 2 3 4 यहाँ भी मैंने बॉक्स बना दी, यहाँ मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है। बच्चा देखेगा, स्पेलिंग भी लर्न करेगा वो, और साथ ही 2 बार वो 1 2 3 4 काउंट करके बॉक्स में फील करेगा। यहाँ मैंने इसी तरह कुछ कुछ डेकोरेट कर दिया, फूल बना दिया है, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप बना सकते हो इस तरह से। देखिए 2 बार फील करेगा बच्चा तो उसका भी स्ट्रांग होगा, मैथ मजबूत होगा, काउंटिंग करना वो अच्छे से सीखेगा। और यहाँ मैं देखिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यहाँ मैं सेलो टेप लगा रही हूँ। किस लिए लगा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखिए बच्चा तो एक बार भर दिया बॉक्स में, लेकिन क्या होगा फिर वो कार्ड तो क्या बर्बाद हो गया वो, तो या तो आप पेंसिल से करा सकते तो वो इरेजर से मिट जाएगा। लेकिन पेंसिल से भी लिखने से क्या होता है ना कि वो उसका जो राइटिंग है वो उभर आता है, तो लाख इरेजर से मिटाने पर भी वो 4 दिखता है, तो आपको लगे कि अरे ये तो इसने दोबारा उसी पर भी पेंसिल चला दिया। तो इसलिए हम इसे बचने के लिए क्या करेंगे, सेलो टेप का यूज़ कर लेते हैं। सेलो टेप से मैं इसे पूरे जो है पूरे कार्ड को कवर कर दूँगी, और इस तरह से क्या होता है गंदे होने से भी बच जाएंगे कार्ड, और ये हमेशा के लिए जब बच्चा उस पर लिखेगा, ठीक है, वो तो सेलो टेप जो प्लास्टिक सीट है उसके ऊपर लिखेगा, तो उससे क्या होगा कि हम इसको हटा भी सकते हैं, मीन्स पोछ भी सकते हैं, आराम से पोछा जाएगा ये। तो ये हम मार्कर से बच्चों को लिखवाएंगे। ये देखिए ये पतला वाला मार्कर है, इसमें कितने आराम से 4 लिखा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब बस इसे आप मार्कर दे देना है बच्चों को और बोलना है कि तुम इस पर लिखो, ठीक है। ऊपर तो सेलो टेप प्लास्टिक है, देखिए देखिए ये यहाँ पर मैंने यहाँ तक मैंने आपको ये कवर किया हुआ है, ठीक है, सेलो टेप से। बाकी मैं बाद में कर लूँगी, बस मुझे दिखाना था कि यहाँ तक मैंने सेलो टेप से कवर किया हुआ है और उसी के ऊपर मैंने लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो ये मार्कर से आराम से लिखा जाएगा और आप इसे फिर पोंछ दीजिए। देखिए मैंने पोंछ भी दिया है इसे आराम से। ये वीडियो अब यहीं तक था फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी कि मैं अगली बार फिर से ऐसा ही फ्लैश कार्ड बनाने के लिए बताऊं। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ड्रॉ वेजिटेबल्स नेम बता सकते हैं, फ्रूट्स नेम बता सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से डेकोरेट करते हैं। ये मैंने बस थोड़ा सा बताया है, आप इस तरह से बना सकते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे इसे देखते हुए, क्योंकि कार्ड जो है वो कलरफुल रहता है और डेकोरेशन में चमकीले स्टार लगे हुए हैं, सेलो टेप भी लगे हुए हैं, चमकीले चमकीले सारे लगे हुए हैं, तो बच्चे खुश होते हैं ऐसे में पढ़ करके। और स्कूल में भी मिलते हैं ऐसे ही कार्ड बनाने के लिए, होमवर्क में दिए जाते हैं बच्चों को कि आप ऐसे कार्ड बना के लाओ। तो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, बच्चे भी अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।